फंडिंग है, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग है, उनकी हमने डिटेल मांगी थी और हमने पाया कि पेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से लोग अपनी एप्लीकेशन लेके दर दर भटक रहे हैं। इसलिए मैंने आदेश दिए हैं कि जिन एसपीओ की पेंडेंसी 1000 से ज़्यादा है उन सब की एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए और 15 दिन के अंदर अंदर हमें बताया जाए। ऐसे 13 जिले हैं जिनकी पेंडेंसी 1000 से ज़्यादा है। तो कितने दिन पहले आपने इनसे जवाब मांगा था और उन्होंने? नहीं, वो तो वैलेंटाइन आ गया, वो खबर नहीं। अब क्या लगता है कि अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होती है, कोई जवाब नहीं मिलता है, तो क्या कार्रवाई? नहीं, फिर फर्दर कार्रवाई करेंगे। कितने दिन का टाइम दिया था? 15 दिन। एक साहब, आपने थाने चेक करने के लिए कहा था पुलिस ऑफिसर को और कुछ ही लोगों ने किए हैं, वो कहीं कोई नहीं करा रहा कैंपेन में? नहीं, इसकी भी रिपोर्ट हम तलब कर लेते हैं कि किस किस एसपी ने किस किस तारीख को किस किस थाने को चेक करा। सर, आपने जो नहीं, हम डेली उठा रहे हैं नए स्टेप और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सुधार होगा, जो जो कदम हम उठा रहे हैं। सर, ये 1000 से अधिक, 1000 भी बहुत ज़्यादा वैसे तो, पर क्योंकि कोई बेस को बनाना था इसलिए अभी 1000 से ज़्यादा। क्योंकि आप लगातार इस मामले में जॉब कर रहे हैं, अब क्योंकि पुलिसों की संख्या ज़्यादा, जैसे 1000 से ज़्यादा पुलिस लोग हैं, अब पुलिस इस चक्कर में लड़ाई करना चल पड़ेगी अपने एफ आई आर? नहीं नहीं, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, मेरे पास कोई भी आ सकता है, दुनिया आ रही है, लाइन लगा के आ रही है। जो राहुल गांधी और प्रियंका है वो वेस्टर्न यूपी में मार्च कर रहे हैं, कोर्ट कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पहले ही खराब है, नेट बंद पड़े हुए हैं, वापस भी भेज दिया। देखो, ऐसा है, ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये पेट्रोल बम बन के घूम रहे हैं और ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ आग लगाते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। द पीपल ऑफ माय नेशन शुड बिवेयर ऑफ राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। कहाँ से कहाँ आ गया तुम यार, तेरा यार उपकरण कहाँ चल रही हिंदुस्तान की बात, कहाँ से कैथल पहुँच गया यार। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसको योगी सरकार है, तो क्या कारण है कि लगातार धरने प्रदर्शन और इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं? नहीं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने ये कानून अपने हाथ में लिया। हम जलसे जुलूसों से हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे, जो कानून हाथ में लेगा वो भिक्षा नहीं जाएगा। देखिए, इसका समीक्षा करेंगे उसके बाद ही बता सकते। नहीं, ऐसा नहीं, अभी हमने किया, हमने कोई भी कई भी तरह के केस हो सकते हैं, छोटे बड़े केस हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन में जवाब आएगा फिर उसको हम कार्य करेंगे। टोटल है 29,387 एज ऑन 15/12/2019 387। नहीं, वो कर रहे हैं 11 से 12 जनता दरबार लगा रहे हैं, मैंने खुद कई जगह भी जानकारी हासिल की है, तो लगा रहे हैं। बाकी जिलों की क्या पोजीशन है? ये तो आपने देख लिया, स्पष्टीकरण कर दिया,
नहीं, हजार से कम है। तो अभी हमने कहीं तो कोई बिंदु तय करना था ना जी, इसलिए हमने 1000 का तय किया।